आप सेइंग हेलो फ्रॉम संबलपुर एंड जो भी ऑफिशियल काम है वो खत्म हो चुका है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे कॉटेज की तरफ। हाय गाइस, तो पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कैसे आप डिब्रूगढ़ नेचर कैंप आ सकते हो, और आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ यहाँ के ब्यूटीफुल अकोमोडेशंस जो बिल्कुल जंगलों के बीचों बीच में है। तो आज मैं करने वाली हूँ मेरा रूम का एक रूम टूर, सो लेट्स बिगिन। दिस इज द एंट्री ऑफ माई रूम, जो काफी क्यूट सा यहाँ पे स्टेयर है, और बगल में ही उन्होंने लिटर के लिए, कचरे के लिए एक पेटी भी दिया हुआ है, जो भी कचरा है आप यहाँ पे फेंक सकते हो, क्योंकि ये जगह आपको क्लीन ही रखना है, क्योंकि नेचर है, ये इंसानों का जगह नहीं है, राइट? तो यहाँ पे हम लोग को क्लीन तो रखना ही पड़ेगा। आई थिंक सब जगहों को ऐसे साफ रखना चाहिए। सो लेट्स डू अ क्विक रूम टूर ऑफ माय कॉटेज, और मेरा कॉटेज का नाम है पृथ्वी। सो लेट्स गो इनसाइड। सो बाहर से कुछ इस तरीके का ग्लास का ये कॉटेज है, जो काफी खूबसूरत लग रहा है, एंड अंदर दिस इज द एंट्रेंस और दिस इज द रूम बेसिकली, और ये टू बेडरूम रूम है, यहाँ पे चार लोग आराम से रह सकते हैं और दो आदमी तो बहुत ही आराम से रह सकते हैं। सो दिस इज द एरिया, यहाँ पे एक छोटा सा सिटिंग एरिया है, और यहाँ पे वाटर बॉटल्स उन्होंने दिए हैं, ये ड्रिंक्स हम लोग लेके आए हैं। सो ये चेयर एंड टेबल यहाँ पे है, एंड दिस इज द बेड, जो दोनों बेड को सटा के एक बड़ा सा बेड बनाया गया है, एंड ये जो बेड है ना, ये देख सकते हो बैम्बू का डिज़ाइन है, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, मतलब नेचर वाली वाइब आ रही है। तो यहाँ पे एसी है एंड फैन भी है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर इस तरीके का है ना, देख सकते हो ऊपर, तो इसमें सीलिंग फैन तो नहीं लग सकता है, सो दैट्स वाई दे प्रोवाइडेड दिस वॉल फैन, जो काफ़ी अच्छा है। एंड यहाँ पे एक छोटा सा कबर्ड है, जहाँ पे आप कुछ सामान रख सकते हो, यहाँ पे रात को मस्कीटो के लिए यहाँ पे मॉर्टिन वगैरह भी अवेलेबल है, डस्टबिन है, एंड यहाँ पे छोटा सा कपड़ा रखने के लिए ये स्टैंड दिया गया है, जहाँ पे उन्होंने ये दो टॉवल प्रोवाइड किए गए हैं, उन्होंने दिया हुआ है। और दिस इज़ द प्लेस जो मेरे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो है ये छोटा सा बालकनी। तो ये है यहाँ का एक छोटा सा बालकनी, जहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हो। तो यहाँ पे दो चेयर उन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है, और वहाँ पे कपड़े सुखाने के लिए स्टैंड भी उन्होंने प्रोवाइड करा है, जो काफ़ी अच्छा है। एंड ये प्लेस में आराम से आप शाम को चाय पीते हुए बैठ सकते हो, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है स्पेशली। एंड दिस इज़ द होल थिंग, एंड मैं दिखाती हूँ यहाँ का बाथरूम भी। तो सबसे पहले आप देख सकते हो नज़ारा, सामने का नज़ारा पहाड़ों के साथ, यहाँ पे कितना सुंदर ही यहाँ पे जो व्यू आपको फ्रंट में मिलेगा, एंड काफ़ी अच्छा है। और मेरे बगल में भी एक कॉटेज है, सेम ही देख सकते हो, सेम स्ट्रक्चर है। तो या दिस इज़ द होल थिंग, एंड मैं आपको फटाफट से बाथरूम दिखा देती हूँ, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सो ये जो वॉल है, देख सकते हो बैम्बू स्ट्रक्चर दिया गया है, मतलब ऐसे लगेगा कि आप एकदम बैम्बू वाले कॉटेज में रह रहे हो, उस तरीके का फील आने वाला है। सो लेट मी शो यू द बाथरूम। बाथरूम काफ़ी बड़ा है, लाइक सी यहाँ पे बेसिन है, हैंड वॉश उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है, एंड दिस इज़ द टॉयलेट यहाँ पे, और यहाँ पे गीज़र भी अवेलेबल है, एंड यहाँ पे एक बकेट एंड मग के साथ सब कुछ है। एंड मुझे काफ़ी स्पेशियस लगा बाथरूम, क्योंकि कॉटेज बाहर से इतना छोटा लगता है, बट अंदर आप एंटर करोगे ना, तो आपको काफ़ी स्पेशियस लगेगा, और दो आदमी के लिए तो काफ़ी स्पेशियस है, अगर आप अकेले आ रहे हो तो आपके लिए तो काफ़ी अच्छा होगा। बट एक मुझे लगा कि यहाँ पे टीवी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कॉटेजेस में टीवी था, बट यहाँ पे टीवी नहीं है। बट टीवी किसको ज़रूरत है यार, क्योंकि आप नेचर में आए हो, आप नेचर को एंजॉय करोगे, टीवी कौन देखता है। सो दिस इज़ द होल रूम टूर, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो अभी मैं जा रही हूँ फटाफट लंच करने, क्योंकि मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी हुई है। सो ये है बालकनी का व्यू, और बाहर से कुछ इस तरीके का दिखाई देता है।
सो आप लोगों ने मेरा जंगल वाला घर तो देख लिया है, तो अभी मैं जा रही हूँ लंच करने। और यहाँ अगर आप पैकेज वाला अगर आप ऑनलाइन बुक करते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको सारे एक्टिविटीज़ के साथ साथ यहाँ पे लंच, डिनर एंड ब्रेकफास्ट, अब एवरीथिंग इंक्लूडेड रहता है। सो आई एम लिटरली वेरी वेरी हंग्री राइट नाउ एंड आई एम गोइंग टू हैव माई लंच जो आगे है। सो लेट्स गो। I'm already in nature और आते ही देख सकते हो मेरे बगल में एक फीमेल पीकॉक बैठी हुई है, वो भी बिना डरे। So beautiful यार, let's just not hurt, मतलब disturb नहीं करते हैं, चलो lunch करते हैं। So the best thing about this place is यहाँ का खाना। खाना locals के द्वारा बनाया जाता है और खाना काफ़ी स्वादिष्ट होता है और हर दिन अलग अलग मेन्यू होता है। और सबसे अच्छी बात है कि आप कुछ भी मेन्यू अगर एड ऑन करना चाहते हैं, यू नेम इट, दे विल मेड इट। सो यह वेरी नाइस थाली, यहाँ पे सिंपल राइस दाल एंड यहाँ पे ये आलू की सब्जी एंड ये करारी करेला एंड रायता एंड माय फेवरेट फिश यहाँ पे अवेलेबल था जो मैं देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गई। सो यहाँ पे नॉन वेज वेज ऑप्शन है, अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपके लिए वेज ऑप्शन भी है। सो लेट्स टेक इन टू द फूड, आई एम लिटरली वेरी हंग्री। तो खाना काफ़ी बहुत ही घरेलू टाइप का, मतलब होमली फीलिंग आ रहा था, बहुत ही यम्मी था। एंड जैसे कि यहाँ पे जो भी कॉटेजेस है ना, फाइव एलिमेंट्स से इंस्पायर्ड है, जैसे कि वायु, अग्नि एंड एवरीथिंग ऑल दैट। और ये जो फूड एरिया है ना, उसका नाम है पंचतत्व, लाइक कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है। और एंट्री में ही ना मैंने एक फीमेल पीकॉक देखा और उन्होंने बताया कि ये पालतू है, वो एक्चुअली उसकी मम्मी ने उसको जब बचपन में छोड़ के चली गई थी तो इसलिए वो यहाँ पे रह गई है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यार, मतलब नेचर में आप कभी बोर नहीं हो सकते, मैं हमेशा बोलती हूँ। एंड मुझे तो नेचर डिटॉक्सिफिकेशन चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे वाईफाई कनेक्शन था बट उन्होंने अभी हटा दिया, क्योंकि नेचर में आते हो तो क्यों यू नो सोशल मीडिया एंड ऑल में घुसना है, आप इंजॉय करो नेचर को। सो अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा रेस्ट करने एंड 4 बजे हमारा है बोटिंग और वहाँ पे कैटल आइलैंड एंड बैट आइलैंड सनसेट पॉइंट जाना है, तो वो भी आपको ब्लॉग में दिखाऊंगी। सो स्टे ट्यून ऑन माय वीडियो। घूमते घूमते ना मुझे यहाँ पे बहुत सारे पेड़ दिखे जहाँ पे उन पेड़ों का नाम का लेबल लगा हुआ है, जैसे कि आपको पता चलेगा कि इस पेड़ का नाम क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये है, चारों लिखा गया है इस पेड़ का नाम है। एंड यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जहाँ पे लेबलिंग किया गया है, जैसे कि आपको अगर नहीं पता हो उस पेड़ के बारे में तो यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन उस पेड़ में लेबल की तरह लगाया गया है, विच इज़ रियली अमेजिंग। एंड यहाँ पे सारा कुछ ना लोकल्स ही मैनेज करते हैं एवरीथिंग, सारे सारे डिपार्टमेंट अलग अलग लोकल्स ही मैनेज करते हैं और बहुत ही फ्रेंडली है यहाँ के जो स्टाफ, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बहुत मैं तो बहुत इन्जॉय करने वाली हूँ। तो यहाँ एक स्पेशल चीज़ ये है कि ये जो पूरा जो प्रॉपर्टी है ना, ये लोकल जो लोगों को सही ही मैनेज होता है। यहाँ जैसे मैंशन किया गया है रेबरीगढ़ नेचुरल कैंप इज मैनेज बाई लोकल्स और यहाँ के जितने भी परसेंट रेवेन्यू होता है ना, सारा कुछ लोकल्स कम्युनिटीज़ में जाता है। एंड यहाँ पे ट्रैकिंग भी अवेलेबल था बट अभी रिसेंटली उसको यू नो बंद कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे एक टाइगर साइटिंग हुआ था तो उसके वजह से ट्रैकिंग बंद है। तो अभी ओनली है बोटिंग एंड सफारी एंड ऑल है, तो दैट्स द थिंग। एंड यहाँ पे अभी थोड़ी देर के बाद हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे घूमेंगे तो मैं दिखाऊंगी पूरा जगह। तो सबसे पहले मैं जाती हूँ, फ्रेश हो जाती हूँ, उसके बाद दिखाऊंगी पूरा ये नेचर कैंप को। एंड फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं बैट आइलैंड, ऑलमोस्ट देयर।